अगला अध्याय, महादेव जी के शरीर से देवी का प्राकट्य और देवी के भूमध्य भाग से शक्ति का प्रादुर्भाव। वायु देवता कहते हैं, तदनंतर महादेव जी महामेघ की गर्जना के समान मधुर गंभीर मंगलदायिनी एवं मनोहर वाणी में बोले, ब्रह्मा, तुमने इस समय प्रजाननों की वृद्धि के लिए बड़ी भारी तपस्या की है। तुम्हारी इस तपस्या से मैं संतुष्ट हूँ और तुम्हें अभीष्ट वर देता हूँ। इस प्रकार परम उदार तथा स्वभावतः मधुर वचन कहकर देवेश्वर हर ने अपने शरीर के वाम भाग से देवी रुद्रानी को प्रकट किया। जिन दिव्य गुण संपन्न देवी को ब्रह्मवीता पुरुष परमात्मा शिव की पराशक्ति कहते हैं तथा जिनमें जन्म मृत्यु और जरा आदि विकारों का प्रवेश नहीं है, वे भवानी उस समय शिव के अंग से प्रकट हुई, जिनका परम भाव देवताओं को भी ज्ञात नहीं है। वे समस्त देवताओं को भी अधीश्वर देवी अपने स्वामी के अंग से प्रकट हुई। उन सर्वलोक महेश्वरी परमेश्वरी को देखकर विराट पुरुष ब्रह्मा ने प्रणाम किया और उन सर्वज्ञ सर्वव्यापनी सूक्ष्मा अपनी प्रभा से इस संपूर्ण जगत को प्रकाशित करने वाली यह पराशक्ति महादेवी से इस प्रकार प्रार्थना की। ब्रह्मा जी बोले, सर्व जगन्मयी देवी, महादेव जी ने सबसे पहले मुझे उत्पन्न किया और प्रजा के सृष्टि के कार्य में लगाया। इनकी आज्ञा से मैं समस्त जगत की सृष्टि करता हूँ, किंतु देवी, मेरे मानसिक संकल्प से रचे गए देवता आदि समस्त प्राणी बारंबार सृष्टि करने पर भी आगे नहीं बढ़ रहे हैं। अतः अब मैं मैथुनी सृष्टि करके ही अपनी सारी प्रजा को पढ़ाना चाहता हूँ। आपके पहले नारी कुल का प्रादुर्भाव नहीं हुआ था, इसलिए नारी कुल की सृष्टि करने के लिए मुझ में शक्ति नहीं है। संपूर्ण शक्तियों का आविर्भाव आपसे ही होता है, अतः सर्वत्र सबको सब प्रकार की शक्ति देने वाली आप वरदायिनी माया देवेश्वरी से प्रार्थना करता हूँ, संसार भय को दूर करने वाली सर्वव्यापनी देवी, इस चराचर जगत की वृद्धि के लिए आप अपने एक अंश से मेरे पुत्र दक्ष की पुत्री हो जाइए। ब्रह्मा योनि ब्रह्मा के इस प्रकार याचना करने पर देवी रुद्रायणी ने अपनी भुजाओं के मध्य भाग से अपने ही समान कांतिमयी एक शक्ति प्रकट की। उसे देखकर देव देवेश्वर हर ने हंसते हुए कहा, तुम तपस्या द्वारा ब्रह्मा जी की आराधना करके उनका मनोरथ पूर्ण करो। परमेश्वर शिव की इस आज्ञा को शिरोधार्य करके वह देवी ब्रह्मा जी की प्रार्थना के अनुसार दक्ष की पुत्री हो गयी। इस प्रकार ब्रह्मा जी को ब्रह्म रूपिणी अनुपम शक्ति देकर देवी शिवा महादेव जी के शरीर में प्रविष्ट हो गयी। फिर महादेव भी अंतर्ध्यान हो गए। तभी से इस जगत के भीतर स्त्री जाति का भोग प्रतिष्ठित हुआ और मैथुन द्वारा प्रजा की सृष्टि का कार्य चलने लगा। मुनिवरों, इससे ब्रह्मा जी को भी आनंद और संतोष प्राप्त हुआ। देवी से शक्ति के प्रादुर्भाव का सारा प्रसंग मैंने तुम्हें कह सुनाया। प्राणियों की सृष्टि के लिए प्रसंग में इस विषय का वर्णन किया गया है। यह पुण्य की वृद्धि करने वाला है, अतः अवश्य सुनने योग्य है। जो प्रतिदिन देवी से शक्ति के प्रादुर्भाव की इस कथा का कीर्तन करता है, उसे सब प्रकार का पुण्य प्राप्त होता है तथा वह शुभ लक्षण पुत्र पाता है।